हेलो एवरीवन वन माई सेल्स सी ए काजल डेरोलिया वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का जो डिस्कशन है वो अगेन एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए है आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दो यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंड ओडिशा सी ई टी दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन दोनों का ही पेपर पैटर्न जो हमने एनालिसिस uh, किया है ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल पे होते हैं इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में बीकॉम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछता है ना वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही ईजिली उसका आंसर कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन मैथ्स से कवर नहीं करता है और सारे सब्जेक्ट्स सारे वही क्वेश्चन होते हैं जो रिलेटेड टू तो एम होते हैं क्लियर बस इतना है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस बार थर्टी करंट अफेयर से रिलेटेड पूछेगा एंड ओडिशा सीईटी में कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर बेस्ड भी होता है बट जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम डिस्कशन करें एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस इन दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर तो चलो फिर हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जहां देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्काउंट प्रोविज़न ऑन डेटर्स शैल बी मेड ऑन अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोविजन ऑन डेटर्स की या डेटर्स की ठीक है तो डेटर्स में से सबसे पहले हम लोग लेस करते हैं अगर कोई फर्दर बैडेट होता है फर्दर बैडेट कहाँ मैंशन किया होना चाहिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देन हम उसमें से माइनस करते हैं प्रोविजन फॉ ऑन डाउटफुल डेट्स देन हम उसमें से माइनस करते हैं प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्लियर तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमेशा जब लेस होगा ना तो सबके डिडक्शन के बाद उसको हम लेस करते हैं क्लियर बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो प्रोविजन ऑन डेटर्स है वो कि जो डिस्काउंट ऑन प्रोविजन ऑन डेटर्स है ये किस अमाउंट पे बनाया जाता है तो नो no डाउट इन सबको लेस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस अमाउंट पे ही हम प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स देते हैं क्लियर तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी बुक डेट्स आफ्टर इनकरिंग बैड डेट एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर बैड डेट मतलब अगर हमारे पास कोई बैड डेट है दैट इज फर्दर बैड डेट तो डेटर में से हम सबसे पहले वो माइनस करते हैं और फिर प्रोविजन माइनस करते हैं और जो बैलेंस बचता है ना उसमें हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक अपियर इन ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू हमेशा याद रखना कि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिख सकता है एक विद इन ट्रायल बैलेंस एक आउटसाइड ट्रायल बैलेंस अगर विद इन ट्रायल बैलेंस का मतलब उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा और उसका ट्रीटमेंट कहा होगा बैलेंस शीट में एंड अगर वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस है दैट इज विद इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देन उसका दो ट्रीटमेंट होगा नो डाउट पहला होगा ट्रेडिंग में और दूसरा होगा बैलेंस शीट में क्लियर तुम्हारे पास क्वेश्चन में विद इन ट्रायल बैलेंस दिया तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी बैलेंस शीट ओनली नेक्स्ट ऑडिटिंग मीन्स अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग का मतलब डिटेक्शन भी होता है एंड प्रिवेंशन भी होता है बट किसका एरर्स एंड फ्रॉड्स का तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी नेक्स्ट इफ द शेयर होल्डर्स फेल टू अपॉइंट और री ऑडिटर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इन एन एजीएम द वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय अगर एनुअल जनरल मीटिंग में आप अपने ऑडिटर को रीअपॉइंट या अपॉइंट नहीं कर सकते किसकी बात हो रही है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तो उस केस में उनका रीअपॉइंटमेंट कौन करता है या अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव हमने बताया था सबसे पहला बताया था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और दूसरा बताया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ऑप्शन देख लेते हैं लिखा है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न रीजनेबल प्रॉफिट टू मैक्सिम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस टू अर्न मैक्म प्रॉफिट आउट ऑफ अवेलेबल रिसोर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो दिया ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो नो डाउट हमारी कोशिश ये होती है कि जितना रिसोर्सेज अवेलेबल उससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके तो करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट वट इज इंटेंजेबल एसेट अगर इनटैंजेबल एसेट की बात करें तो वो असेट जो कि एक्चुअली में आपके बिजनेस में एग्जिस्ट करेगा बट ना आप उसको टच कर सकते हो ना आप उसको देख सकते हो क्लियर तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी गुडविल नेक्स्ट नेटवर्थ इज नेटवर्थ बेसिकली हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं से मेरे पास यहाँ पे फिक्स्ड एसेट दिया है करंट एसेट दिया है करंट लाइबिलिटी दी है नॉन करंट लाइबिलिटी दी है एंड हमारे पास कैपिटल uh, दिया हुआ है क्लियर एंड लेट्स से मेरे पास फिक्टीशियस असेट्स भी दिया है जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन तो चाहे तो आप इन दोनों को ऐड करके उसमें से ये दोनों लेस कर दो या कैपिटल में से डायरेक्टली फिक्टीशियस असेट्स लेस कर दो तो नेटवर्थ आ जाएगी कंपनी की क्लियर तो ऑप्शन कौन सा दिया है ये सिक्स नहीं ये बेसिकली बी है ऑप्शन uh, की नंबरिंग पे मत जाना करेक्ट आंसर क्या होगा कैपिटल माइनस फिक्टिशियस असेट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिफर्स टू टेकिंग इनटू अकाउंट देखो अगर हम लोग कंजर्वेटिज्म की बात करें तो ये हमेशा कहता है कि आप प्रॉफिट को इग्नोर कर दो एंड आप लॉस को पहले से ही प्रीप्लांट करके चलो लाइक like, उसके लिए पहले से प्रपरेशन करके चलो क्लियर तो जब प्रॉफिट रिलाइज होगा तब उसके बारे में सोचना बट जितने लॉसेज हो सकते हैं आप उसको कंसिडर करो तो करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट द टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेंस इज कंसिडर्ड द मेथड विच वुड प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड में मिलता है एंड क्यों? अमाउंट भी फिक्स होती है किसकी रेट ऑफ uh, किसकी डेप्रिसिएशन की तो करेक्ट आंसर होगा बी स्ट्रेट लाइन मेथड नेक्स्ट नाइनटीन थाउजंड फाइव हंड्रेड डेबिटेड टू बिल्डर्स रिपेयर ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर नाइनटीन नाइनटी थ्री इंक्लूडेड नाइनटी फाइव हंड्रेड एज अ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ स्माल रूम फॉर द वॉच मैन अ बिल ऑफ एट हंड्रेड फॉर कलर वॉश ऑफ द होल बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज नॉट रिसीव टिल नाइनटीन नाइन्टी थ्री डिसमेंबर ओके द अमाउंट टू बेबिटेड टू पी एल अकाउंट वुड भी आप देखो पी एल में डेबिट होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने उसका पेमेंट किया हो या ना किया हो आपने उसको रिसीव किया हो या ना किया हो अगर वो करेंट ईयर से रिलेटेड खर्चा है कौन सा खर्चा बेटा रेवेन्यू खर्चा तब तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे अदरवाइज बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है जहाँ तक हमें लगता है कि सबको पता होगा रीजन बिंग हमने इस पर एक इंडिविजुअल क्लास भी अपलोड की है अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर से उसको कवर कर लेना आ बिकॉज नाइनटीन में दो पार्ट है पहला तो नाइन्टी है जो कि बेसिकली रिपेयर्स के लिए है तो वो पीएल में जाएगा एंड टेन थाउजेंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है तो वो असेट है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा और ये जो एट हंड्रेड है कलर वॉशिंग के लिए कह लो, लो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में नहीं मिलता तो ये दोनों खर्चा हमें पीएल में डालना है तो ये टोटल खर्चा जब हम करेंगे नाइन्टी फाइव हंड्रेड वेट एक एक सेकेंड यहां पे लिखा है कि नाइनटी फाइव हंड्रेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है ना फिर से देख लेते हैं एक बार नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से नाइनटी फाइव हंड्रेड हमारा है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा और टेन थाउजेंड हमारा रिपेयर्स का प्लस एट हंड्रेड पीएल में जाएगा क्लियर वो हमने अमाउंट थोड़ी सी इधर उधर कर दी थी तो ओवरऑल जो हमारा पीएल में अमाउंट जाने वाला है वो कितना है टेन क्लियर तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी नेक्स्ट

ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ है उससे भी मेरा ग्रॉस असेट बढ़ेगा है ना तो ये हो जाएगा थर्टी वन थाउजेंड अब आगे देखो कह रहा है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो फोर्टी फाइव हंड्रेड के थे और वो किसके लिए थे ऑफिस फर्नीचर के लिए क्लियर तो नो no डाउट हमारे जो क्रेडिटर्स हैं हमने उनको पे कर दिया फोर्टी फाइव हंड्रेड तो हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए होंगे और कैश इंक्रीज हो गया होगा तो क्या इससे कोई भी इम्पैक्ट हमारे ग्रॉस असेट पर पड़ेगा नहीं इससे कोई इम्पैक्ट ग्रॉस असेट पर नहीं पड़ने वाला क्लियर थर्टी फाइव हंड्रेड आपने पे किया है मतलब गुड्स लिया है वर्थ कितने का थर्टी फाइव हंड्रेड का किसके लिए अपनी डॉटर्स वेडिंग के लिए तो ये बेसिकली क्या हो गया ड्रॉइंग्स हो गया तो इससे आपका ग्रॉस असेट डिक्रीज हो जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या आएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ग्रॉस असेट जो मेरी टोटल आई वो कितनी आई ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्योंकि सिर्फ ये अमाउंट आपको इसमें नहीं लेना तो फोर्टी फाइव हंड्रेड क्योंकि इससे आपके ग्रॉस असेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था नेक्स्ट अगेन देखो क्वेश्चन पूछा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड और इस पर हमने डिटेल क्लास अपलोड की हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिले तो करेक्ट आंसर होगा बी परचेज ऑफ अ डिलीवरी वैन क्योंकि बाकी सारे खर्चे रेकरिंग नेचर के हैं नेक्स्ट इन द केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप असेट्स एंड बैलेंस शीट आइटम्स आर कन्वीनियंटली शोन इन अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्लियर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी एंटर्ड इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अ क्लब अब देखो हमने एन पी ओ पे भी डिटेल क्लास अपलोड की हुई है और सेकंड चैनल पर इसके बहुत सारे एम सी क्यूज भी हमने अपलोड किए हुए हैं तो कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या जाएगा तो याद रखना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो जाता है जहाँ पे कैश रिसीव होता है या कैश का पेमेंट होता है क्लियर तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर हाँ क्योंकि कैश रिसीव होगा लॉस ऑन सेल ऑफ सम नो क्योंकि अगर लॉस है तो लॉस तो बेसिकली प्रॉफिट और लॉस हम लोग कैलकुलेट करते हैं बट क्या उसमें कोई कैश रिसीव या पेमेंट होता है नहीं पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट येस अगर यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट करें तो कैश हमारा आउटफ्लो हो रहा है तो जब कैश आता है या कैश जाता है तो वही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी बोथ ए एंड बी बबव नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द सिंकिंग फंड मेथड वेन कंपेयर टू एन्यूटी मेथड एस देखो डेप्रिसिएशन का ये जो दोनों मेथड है ये बेस, बेसिकली अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी यूज नहीं होता यूज दो ही मेथड होता है कैसे मेथड होता है और एक कौन सा मेथड होता है डब्लू डीवी हाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको हम लोग कहते हैं तो जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट है ना अगर हम लोग सिंकिंग फंड मेथड को कंपेयर करेंगे एन्यूटी मेथड से तो वो हमेशा क्या होगा हाईर होगा क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट

रिमेन कॉन्स्टेंट क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना कहता है कि अगर मॉनिटरी आइटम है तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करो अदरवाइज आपको बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है और वहां यह माना जाता है कि मनी की वैल्यू हमेशा क्या होगी कॉन्स्टेंट नेक्स्ट अ क्रिकेट क्लब हैज फिफ्टी मेंबर्स एंड ईच मेंबर पेज टू हंड्रेड एज मंथली सब्सक्रिप्शन फाइव मेंबर्स पेड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 94, 95 नाइनटी 10 एंड टेन मेबर्स फेल टू पे सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर नाइटी थ्री नाइटी फोर द अमाउंट टू भी क्रेडिटेड एसक्रिप्न ट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट रिसीव होने वाली है ड्यूरिंग द ईयर या फिर कह सकते हैं कि जो अमाउंट रिलेटेड है ड्यूरिंग द करंट ईयर हम वो रिकॉर्ड करते हैं भले उसमें से कुछ रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो क्लियर तो फिफ्टी मेंबर्स हमें देने वाले टू हंड्रेड तो ये ओवरऑल कितना हो गया टेन थाउजेंड तो करेक्ट आंसर होगा सी टेन थाउजेंड अब अगर इसमें भी आप लोगों को डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने एनपीओ की डिटेल क्लास अपलोड की हुई है वहां से वो आ, वहां से सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो नेक्स्ट अ फॉर्म विच कीप्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम हैज ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीबल गिवेन है बिल्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड अमाउंट टू ट्वेंटी थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर कितना कलेक्ट हो रहा है बीस हज़ार बिल्स रिसिवल रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अमाउंट टू आप देखो बिल रिसीवल अकाउंट जल्दी से बना लेते हैं तो सिंपली हमारे पास ओपनिंग बैलेंस या नाइन नाइन थाउजेंड और यह असेट है तो ओपनिंग बैलेंस का होगा डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस कितना है इलेवन थाउजेंड क्वेश्चन में कह रहा है कितना बिल्स कलेक्ट हुआ मतलब कितना पैसा आया एंट्री क्या होगी कैश टू बिल्स रिसीवेबल तो ये हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड और ये पूछा है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कितना और बिल आया है मतलब टू डेटर्स कितना है तो नो डाउट बैलेंसिंग फिगर विल बी टू डेटर्स क्लियर तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी ट्वेंटी टू थाउजेंड तो करेक्ट आंसर होगा ए ट्वेंटी टू थाउजेंड ने प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम अकॉर्डिंग टू नो डाउट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्योंकि आज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके लिए उसका कैपिटल क्या हो जाएगा उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में वो बिजनेस के लिए कह सकते हैं कि लाइबिलिटी है या हम कह सकते हैं कि क्रेडिटर है क्लियर नेक्स्ट इफ क्लोजिंग कैपिटल दिया है ओपनिंग कैपिटल दिया है ड्राॅइंग दिया लॉस दिया है देन कैपिटल इज द बिगिनिंग इज इक्वल टू अ देखो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है होता क्या है फॉर्मूला हम बता रहे हैं सिर्फ ओपनिंग कैपिटल में हम ड्यूरिंग द ईयर जो नेट प्रॉफिट होता है वो ऐड करते हैं नेट लॉस लेस करते हैं अगर कोई ड्राॅइंग्स हुई है तो उसको भी लेस करते हैं और कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो ऐड करते हैं तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या होता है बेटा क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दिया है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड दिया है ड्राॅइंग्स दिया है लॉस दिया है क्या हम बैक कैल्कुलेशन कर सकते हैं अब बैक कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल लेस कर देंगे ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे लॉस ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल क्लियर तो इस सेवन थाउजेंड में से फाइव थाउजेंड माइनस करो तो बचा टू थाउजेंड और टू थाउजेंड में ये एटीन थाउजेंड एड कर दो तो, तो कितना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड क्लियर डायरेक्ट फॉर्मुला था नेक्स्ट विच ऑर द फॉलोइंग नॉट एप्रिशिएट लैंड नेक्स्ट इफ़ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्वेंटी परसेंट ऑन सी ओ जी एस एंड द सेल्स आर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड देन जी पी वुड बी इस पर हमने अलग से क्लास भी अपलोड की हुई है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास जी पी कितना दिया है ट्वेंटी परसेंट ऑन सी ओ जी एस और सेल्स दिया है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें सेल्स प्राइस पे लेट से मेरे पास कॉस्ट है हंड्रेड और प्रॉफिट है ट्वेंटी तो मेरा सेल्स कितना हो गया वन ट्वेंटी अगर कॉस्ट पे ट्वेंटी परसेंट है तो सेल्स पे कितना हो जाएगा वन बाई सिक्स तो सिंपली वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का अगर हम वन बाई सिक्स कैल्कुलेट कर ले तो मेरे पास जी आ जाएगा क्लियर अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इस पर हमने इंडिविजुअली क्लास अपलोड की हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो करेक्ट आंसर होगा ए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग आर ओ आई दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल इम्प्लाइड मीस ये हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास में बताया हुआ है किसका करेक्ट आंसर होगा फिक्स प्लस करंट दैट इज टोटल करंट लाइबिलिटीज नेक्स्ट करंट आर थ्री लाख एंड करेंट लाइबिलिटीज आर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ना दिटल्टी थाउजेंड है देन इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल वुड बी देखो कह रहा है कि अगर डेटर रियलाइज होगा तो नो no डाउट मेरा एक असेट घटा कौन सा डेटर और एक असेट बढ़ा दैट इज कैश तो क्या वर्किंग कैपिटल पे कोई भी इम्पैक पड़ेगा नहीं तो करेक्ट आंसर क्या होगा नन ऑफ तीस इस सैम्पल पेपर में ओवरऑल हंड्रेड क्वेश्चन हमारे पास हैं हंड्रेड एमसीक्यूज है जिसमें से आज हमने डिस्कस किया है ट्वेंटी फाइव एमसी क्यूज नेक्स्ट क्लास में अगेन हम ट्वेंटी फाइव एमसी क्यू डिस्कस करेंगे देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्टी फाइव एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट में ट्वेंटी फाइव क्लियर अगर आज के इस ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं एंड साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं हम इसका पार्ट टू बहुत जल्द अपलोड करेंगे पार्ट थ्री पार्ट फोर सारे पार्ट्स हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे सो दैट आप प्रॉपरली वो कवर कर पाओ तो ये सारे सैम्पल पेपर्स जो हम अपलोड करेंगे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ये क्वेश्चन देखना आप इसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो जितनी ज़्यादा प्रेपरेशन आप करके जाओगे एग्जाम में चांसेस होंगे कि आप बहुत ही ईजली आप उतना ही ज़्यादा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे क्लियर उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी अगर आपको आज का वीडियो समझ आया है, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेगा हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच